वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट इन श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा। डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर 39th वीडियो लेक्चर ऑन टेक्निकल आर्टिकल्स एंड देयर टाइप्स। टेक्निकल आर्टिकल्स एंड देयर टाइप्स। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल नो अबाउट द टेक्निकल आर्टिंग राइटिंग्स एंड द टाइप्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ टेक्निकल। Why technical communication? Okay, why technical communication? Why need of technical communication? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम इसके अंदर जानेंगे कि technical communication की ज़रूरत क्यों पड़ी। Directs द फ्लो ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लैब्स टू द डिफरेंट स्टेक होल्डर। क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? डायरेक्ट द फ्लो ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लैब्स टू द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। टेक्निकल कम्युनिकेशन की राइटिंग और टाइप्स की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि सीधा प्रत्यक्ष तौर से किसी लेबोरेटरी से या फिर किसी साइंटिफिक टूल्स की इंफॉर्मेशन प्रत्यक्ष तौर से आम लोगों तक पहुँचे तथा वे उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। हेल्प्स इन डिसमिनेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ व्यूज एंड सजेशंस तथा उन्हें भी मदद मिल सके नए क्षेत्रों के बारे में जानकारी सुझाव विचार उनको भी सोचने का मौका मिले और वे भी अंदाज़ा लगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आजकल ऐसे साइंटिफिक टूल हैं जो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। लीड्स टू अनिफिकेशन बिटवीन द एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल्स तथा एक तो कार्यरूप तथा किसी कार्य को किसी टूल्स के द्वारा किया जाए या व्यक्ति सोचे कि बिना टूल्स के मैं ये काम नहीं कर सकता तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के द्वारा उसको ये प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाया जा सकता है कि यदि हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या टेक्निकल नॉलेज हम रखते हैं तो कुछ ऐसे तौर तरीके या रास्ते भी हैं जिसके द्वारा भी हम ये कार्य कर सकते हैं और ये वर्क टीम टूवर्ड्स ए कॉमन टेक्निकल वर्क। एनश्योर फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ तथा ये भी हम हर एक इंसान को लगे कि कुछ ऐसे आजकल टेक्निकल टूल्स अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो चाहें वो कर सकते हैं, वो आपका हर सेक्टर के अंदर मदद करते हैं तथा आप अपने कार्य को और भी ज़्यादा स्पीड दे सकते हैं। प्रमोट्स एंड मेंटेन्स टेक्निकल अवेयरनेस। टेक्निकल कम्युनिकेशन जो तरीके हैं या टेक्निकल कम्युनिकेशन की जो आवश्यकता पड़ी इसलिए भी पड़ी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज में लोगों को टेक्निकल अवेयरनेस की पता चले और वे अपने कार्य को और भी फास्ट तरीके से कर सके। आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज ए टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब इसको देखें तो सही, टेक्निकल कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब यह है क्या? वी कैन डिफाइन टेक्निकल कम्युनिकेशन एज द फ्लो ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। अभी हमने इसको परिभाषित किया था कि टेक्निकल कम्युनिकेशन एक ऐसी विचारधारा है जिसके माध्यम से किसी टेक्निक या फिर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को या सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। इट इंक्लूड्स ऑल द मेथड्स मीन्स मीडिया एंड चैनल्स। इसके अंदर वे सब चीज़ें समाहित होती है जैसे कार्य को किस तरह से किया जाए, इसका तात्पर्य क्या है तथा इसको कार्य करने का मीडियम माध्यम क्या है। इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन इज ए परपजिव सिंबॉलिक कम्युनिकेशन विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट व्हाई एंड हाउ ऑफ द साइंटिफिक टेक्निकल एंड नेचुरल फिनोमेनन तथा एक अच्छी तकनीकी कम्युनिकेशन या टेक्निकल कम्युनिकेशन का उद्देश्य ये होता है कि ये हमारे यदि हम सीख जाएं इन टूल्स के बारे में तो
तो हमारे मन के अंदर जो पहले एक भ्रम था, संदेह था कि यह कैसे होगा, क्या है ये, क्यों किया जाएगा, तो वे सब चीज़ें दूर हो जाती हैं और हमें भी इस बात के ऊपर इंश्योर या विश्वास हो जाता है कि ये कार्य आसानी से किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? दीज आर टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन, सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंस और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। एक तो सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंस होना चाहिए, लिंग्विस्टिक। सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंस में क्या चीज़ आती है? इज द नॉलेज ऑफ द रिलेवेंट सब्जेक्ट। जिस फील्ड के अंदर आप काम करना चाहते हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड एबिलिटी टू एनालाइज फैक्ट और इन्फॉर्मेशन फॉर क्लियर प्रेजेंटेशन। आपके अंदर इस तरह की योग्यता भी होनी चाहिए कि आप अपने तरीके से उसका विश्लेषण कर सकें तथा अपने तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन ईजाद करके उसको और भी बेहतरीन कर सकें। एज टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड इट डील्स विद स्पेसिफिक एंड टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर। तो इस तरह से हम किसी भी कम्युनिकेशन या कोई से भी इंफॉर्मेशन को दूर दराज तक एक किसी टेक्निकल टूल्स के माध्यम से भेज सकते हैं तथा हर एक इंसान को वो आसानी से समझा सकते हैं तथा वो व्यक्ति किसी और को भी समझा सकता है। वो टूल्स हमारे एक सब्जेक्टिव होते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड्स एनी टॉपिक और सब्जेक्ट दैट फॉल्स विद इन द जनरल फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दैट टेक्निकल सब्जेक्ट का तात्पर्य उसमें उन विषयों को सम्मिलित किया जाता है, ऐसे बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है जिसके अंदर वे जानकारियां उस विषय से संबंधित हो तथा उनका तात्पर्य या संबंध सामान्य विज्ञान से तात्पर्य हो और सामान्य नॉर्मल टेक्निक से भी तात्पर्य हो, तभी जाकर के समाज के लोग उसको स्वीकार कर पाते हैं। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में इज द पोजिशंस ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज स्किल्स तथा आपको एक नॉलेज भी होनी चाहिए। टेक्निकल कम्युनिकेशंस में आप कुछ काम करना चाह रहे हो, कौन से फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं, तो उससे संबंधित आपके अंदर कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। एबिलिटी टू प्रेजेंट साइंटिफिक फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली, ताकि आपके अंदर आप इस तरह से सक्षम हो कि आप हर एक किसी टूल्स के बारे में या फिर टेक्निकल या साइंटिफिक कोई भी फैक्ट हो उसके बारे में अच्छी तरह से समझ जाए तथा और लोगों को भी समझा दें। इट इंक्लूड द एबिलिटी टू यूज एप्रोप्रिएट डिवाइसेज टू प्रेजेंट साइंटिफिक डेटा। इसके अंदर वो भी चीज़ आती है कि आप के अंदर ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान तभी आपका सार्थक सिद्ध होगा जब आप उसके माध्यम से कोई टेक्निकल डिवाइसेज का सही प्रकार से आप खुद भलीभांति भी उपयोग करते हो तथा उसके उपयोग की महत्ता किसी दूसरे को भी समझा सकते हो या उसको भी सिखा सकते हैं। लैक ऑफ दीज स्किल्स मे आल्सो लीड टू इनफेक्टिव और इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। अच्छा, नोट्स में ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ नहीं है तो आपके लिए ये टूल्स बेकार होते हैं तथा उसका सदुपयोग आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आपके लिए अधूरे साबित होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ये कितने प्रकार के हैं देखें, साइंटिफिक आर्टिकल, टेक्निकल आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल, ये तीन प्रकार के हैं। साइंटिफिक आर्टिकल वे आर्टिकल्स होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, किसी विषय वस्तु के बारे में थ्योरेटिकल के अंदर बताया जाता है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग आउट द रिसर्च फ्रॉम द लेबोरेटरी टू द वर्ल्ड, तथा प्रयास ये किया जाता है किसी लेबोरेटरी में जो भी कोई कार्य किया जाता है उसको एक भाषा के द्वारा या किसी इंफॉर्मेशन के द्वारा, संदेश के द्वारा लोगों को ईजाद करके लोगों को उसके उपयोग के बारे में, संसार के लोगों को उसके उपयोग के बारे में बताया जाता है। द लैंग्वेज मे बी टेक्निकल बट हैज़ टू बी मेड अंडरस्टूड इन सिंपल वर्ड्स। हाँ, इसके अंदर जो शब्द होते हैं या भाषा होती है वो ज़रूर एक साइंटिफिक होती है, पर तात्पर्य लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक सामान्य या साधारण भाषा के अंदर समझाने का होता है। टेक्निकल आर्टिकल्स में क्या चीज़ होती है? लेस थ्योरेटिकल। इसके अंदर क्या है,
थोड़ा थ्योरेटिकल कम होता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है. ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट कंसंट्रेट्स ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट. इट रिलेट्स द आइडियाज दैट रिजल्टेड फ्रॉम ए रिसर्च दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव द लाइफ एंड सोसाइटी. आपने जो एक साइंटिफिक आर्टिकल जो कि थ्योरेटिकल रूप में पढ़ा था, उसी के ज्ञान को माध्यम बना करके आप प्रैक्टिकल कार्य करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए उपयोगी साबित होता है, तथा जब आप पूर्णतया विश्वस्त हो जाएंगे तो समाज के अन्य लोगों को भी उसकी उपयोगिता का महत्व समझ पाएंगे. आगे हम देखते हैं, ये तो दो हमारे थे ही थे. तीसरा होता है रिसर्च पेपर. इट इज़ ए हाईली स्पेसिफिक काइंड ऑफ राइटिंग जनरली एड्रेस्ड टू ए स्मॉल बॉडी ऑफ पीपल डायरेक्टली कंसर्नड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट स्टडी. अब ये क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का रिसर्च या अनुसंधान किया गया कार्य होता है. इसमें खास तौर से ऐसे उपयोगी और विशेष व्यक्तियों को ही शामिल किया जाता है जो इस प्रकार के ज्ञान की अर्हता रखते हो, योग्यता रखते हो, ताकि वे इसके महत्व को समझ सके. नॉट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर ओनली इन जर्नल्स. न्यूज़ सामान्य समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित नहीं किया जाता, यह केवल जर्नल्स के अंदर पत्रकारिता के अंदर ही निकलता है. ए गुड रिसर्च पेपर हैज ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम द पेपर इज एड्रेसिंग द प्रपोज्ड सॉल्यूशन एंड रिजल्ट अचीव्ड. रिसर्च पेपर के अंदर वे तथ्य सम्मिलित होते हैं जिसके अंदर स्पष्ट तरीके से किसी विशेष समस्या के बारे में वर्णन किया जाता है, तथा उसका जो उद्देश्य होता है रिसर्च पेपर का, किसी समस्या से निजात पाने के हल तथा उसके परिणामों की उपलब्धि के बारे में बताया जाता है. इट डिस्क्राइब्स क्लियरली व्हाट हैज़ बीन डन बिफोर ऑन द प्रॉब्लम्स. उसमें ये भी बताया जाता है स्पष्ट तौर से कि इस सॉल्यूशन से पहले या अब से पहले किन किन लोगों ने कितनी कितनी उपलब्धियां हासिल की और वे इसके रिजल्ट तक, परिणाम तक कितना उन्होंने अपनी पहुंच बढ़ाई. एंड व्हाट इज न्यू, और मेरे इस पेपर के अंदर नयापन क्या है, मैंने कुछ अलग क्या किया है, तो वो भी स्पष्ट तरीके से बताया जाता है. द गोल ऑफ पेपर इज टू डिस्क्राइब नोवल टेक्निकल रिजल्ट. इस तरह से रिसर्च पेपर का जो लक्ष्य होता है वो किसी टेक्निकल परिणाम को विकसित या परिणाम को लोगों तक पहुंचाने का होता है, वर्णन करने का होता है, ताकि लोग इसके परिणामों की जानकारी हासिल करके वे इस टेक्निकल नॉलेज से विश्वस्त हो सकें. साइंटिफिक आर्टिकल फॉलोज कंसिस्टेंट फॉर्मेट. कंटेंट सेम मेजर सेक्शंस नेम्स में वारी. टेक्निकल वोकैबुलरी स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी एंड ग्राफिक एड्स आर यूज्ड ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल. साइंटिफिक आर्टिकल के अंदर क्या होता है, ये अन्य दूसरे आर्टिकल को जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ विशेष वर्गीकरण किए होते हैं और इसमें काम में आने वाली जो व्याकरण है, शब्दांश है, वे कुछ विशेष व्याकरण से संबंधित और शब्द टेक्निकल वर्ड से रिलेटेड होते हैं, तो उससे रिलेटेड व्यक्ति उनके तात्पर्य को समझ पाता है. जनरल लिटरेरी आर्टिकल्स नो प्रॉपर फॉर्मेट इज फॉलोड. इसके अंदर कोई ऐसा फॉर्मेट ईजाद नहीं किया गया कि आपको इस प्रकार के फॉर्मेट में ही ये लिखना होता है. जनरल एंड सिंपल वर्ड्स आर यूज. ये आम लोगों से संबंधित होने की वजह से इसके अंदर प्रयोग में ली जाने वाली जो वोकैबुलरी होती है वो सामान्य होती है. द डिस्कशंस डोंट हैव ए साइंटिफिक बेसिस एंड कांट बी बेस्ड. तथा इसके अंदर जो वर्णन किया जाता है वो साइंटिफिक न हो करके एक इंडिविजुअल या लोकल लेबोरेटरी या लोकल एरियाज लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं. जनरल गाइडलाइन क्या है, डिफाइन द ऑडियंस एंड द पर्पस. आपके इस आर्टिकल से तात्पर्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, ये सभी श्रोताओं गणों को बताना है. क्रिएट ए वर्क प्लान टू राइट द आर्टिकल. कलेक्ट एंड एवेल्युएट नेसेसरी डेटा. एग्जामिन द लेटेस्ट रिसर्च ऑन द टॉपिक. प्रिपेयर रिसर्च नोट्स. प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ रेफरेंस एंड बिबलियोग्राफी. डेवलप एन आउटलाइन. राइट ए रफ ड्राफ्ट. रिवाइज द डॉक्यूमेंट्स. फाइनलाइज एंड राइट द फाइनल ड्राफ्ट. ये गाइडलाइन होती है जो कि हमें किसी टेक्निकल कम्युनिकेशन को लिखते समय अपनाई जाती है.
स्ट्रक्चर ए टेक्निकल आर्टिकल का तरीका क्या होता है, प्रॉब्लम सबसे पहले उस पर टाइटल पे दिखा जाता है कि इसके ऊपर मैं ये कुछ लिख रहा हूँ। अप्रोच आर्किटेक्चर्स मेथडोलॉजी इम्प्लीमेंटेशंस या रियलाइजेशन फाइंडिंग रिजल्ट एवोल्यूशंस रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन फ्यूचर स्कोप, ये इसके बिंदु होते हैं। द बॉडी शुड कंटेन सफिशियंट मोटिवेशन विथ एग्जाम्पल सीनेरियोज इलस्ट्रेटिंग फिगर्स फॉलोड बाई ए क्रिस्प जेनरिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मॉडल फंक्शनलिटी पर्टिकुलरली आदि। द पेपर मे और मे नॉट इंक्लूड फॉर्मेलाइज जनरल रिवोल्यूशंस ऑफ योर एल्गोरिदम और आर्किटेक्चर मटेरियल प्रोवाइड द एल्गोरिदमिक गो हियर नॉट इन द एवेल्यूएट सेक्शन। स्ट्रक्चरिंग के अंदर जो भी पॉइंट आप इसमें क्लेरिफाई करेंगे तो वो हर एक सेक्शन जो डिवाइडेशन किया गया है उसमें वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी होती है तथा उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपने क्या क्या दिए फॉर एग्जांपल के साथ वो बताने होते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम्स टू अचीव दिस मॉडल शुड बी मोर जेनरिक देन योर ओन पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑलवेज इंक्लूड एटलीस्ट वन फिगर। तथा आपको किसी आर्किटेक्चर का मतलब होता है कोई निर्माण या फिर कोई उसका ढांचा तैयार करके एक मॉडल तैयार करके उसका वर्गीकरण करना होता है विश्लेषण के साथ उसे समझाना होता है। रियलाइजेशन कंटेंट्स एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स व्हेन इम्प्लीमेंटिंग आर्किटेक्चर्स इजंट टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन ब्रीफली इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज प्लेटफॉर्म्स लोकेशन डिपेंडेंसीज ऑन अदर पैकेज एंड मिनिमम रिसोर्सेज यूजेज इफ पार्टिशियंट एवेल्यूएशंस एवेल्यूएशंस हाउ डज इट रियली वर्क इन प्रैक्टिस प्रोवाइड रियल और सिमुलेटेड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड यूजर स्टडीज मेंशन एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी अडोप्टर्स इफ एनी। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने ऑडियंस के लिए वे संपूर्ण इन्फॉर्मेशन जुटानी होती है जो टेक्निकल साइंटिफिक मटेरियल से रिलेटेड होती है और उसको किस तरह से किया जाता है वो सारी चीज़ें एनालाइज करके बतानी होती है। समरी एंड फ्यूचर वर्क, सारांश क्या था और आगे इसके द्वारा किस तरह का कार्य किया जा सकता है। फोकस ऑन द मेन रिजल्ट यूज द स्कोप एंड एरियाज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब क्या है कि आपको और चीज़ों की तरफ ध्यान न दे करके मुख्य आपका आधार जो है वो परिणाम पर होना चाहिए तभी जा करके उसके अनुसार आप काम करते हैं। ये टेक्निकल कम्युनिकेशन या टेक्निकल राइटिंग या टाइप्स का एक मुख्य सारांश है। गिव्स द स्कोप्स एंड एरियाज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, आप उनको एग्जांपल के द्वारा भी बता सकते हैं कि इसका उपयोग कौन से क्षेत्र में होगा और आगे क्या संभावनाएँ हैं। डायरेक्ट से टुवार्ड्स न्यू डायरेक्शन और स्ट्रेंथन्स द प्रेजेंट हाइपोथेसिस, तथा हमें इसके माध्यम से नए दिशा निर्देशों या दूसरे क्षेत्रों की तरफ भी लोगों को मार्गदर्शित करना है तथा स्ट्रेंथ तथा उन्हें ये भी बताना है कि ये नया जो फील्ड है उसमें कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं और आज का इसी निर्यू इसका किस तरह का है। एक्नोलेजमेंट्स बाइबिलियोग्राफी अपेंडिक्स प्रोटोकॉल डिस्क्रिप्शंस प्रूफ्स विथ मोर देन टू लाइन्स अदर लो लेवल बट इम्पोर्टेंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हमें लास्ट में देखनी होती है। इस तरह से ये हमारा लेक्चर कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।